Hashtag vlogging life is not that easy, guys. What's up guys, welcome back to Bike Hacking Stunts Vlog। और आज हम लोग शाम को घूमने आए हैं, घूमने नहीं, एक भैया का शॉप है, यह शॉप का आज ही ओपनिंग है। और आज बहुत ही एक्सपीरियंस दो राइडर के साथ हम लोग का मुलाकात हुआ है यहाँ पे। एक तो राइडर है जो कि इस शॉप का ही मालिक है, और एक और राइडर है जो R15 वर्जन 3 बहुत दिनों से यूज़ कर रहा है, और आज का लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है इस वाला वीडियो पे। ओ भाई साहब, यहाँ पे दो दो R15 खड़ा है, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मॉडिफाइड है। इसका तो एग्जॉस्ट भी चेंज हुआ है और बहुत ही ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट है, और इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उधर भी एक और R15 खड़ा हुआ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रूप से मॉडिफाइड है। लेकिन आज का जो वीडियो आज है लॉन्ग टर्म रिव्यू का, तो ये सब जो मॉडिफिकेशन हुआ है, अगर आप लोग का रिक्वेस्ट आता है तो मैं मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है यहाँ पे, जो जो चीज़ें हैं सब मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग मॉडिफिकेशन देख सकते हैं। आप यहाँ पे पायलट स्विच भी देख सकते हैं, नाइस। और इधर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा स्विचेस देखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये सब के बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो आज हम लोग बात करते हैं जो भी यहाँ पर दो ओनर है, ये एक ओनर है, उधर भी एक ओनर है जो मेरे बाइक को लेके भाग जाने का कुछ प्लान वगैरह बना रहे हैं वहाँ पे शायद। तो इन दोनों के साथ बात करते हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या क्या उन लोगों को अच्छा लगता है, कितना बाइक को चलाया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो व्लॉगिंग लाइफ इज नॉट दैट ईजी गाइस, मतलब आधे घंटे का फुटेज मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया, पूरा 30 मिनट्स का, और वो ऑडियो उसका गया भाई। बट वेट, कहीं मत जाना, उन लोग के साथ जो भी गुफ्तगू हुआ है, जो भी हम लोगों ने बात किया है, बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव दोनों चीज़ें हमने डिस्कशन किया है। वहाँ पर मैं तो था, तो मुझे बिल्कुल भी याद है कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर वो लोगों ने उंगली उठाया है, कौन कौन सी चीज़ों के वो लोग मतलब क्या ही बोले, दे आर इमोशनल अबाउट देयर बाइक्स, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ही कनेक्टेड हो चुके हैं इतना ज़्यादा। तो सबसे पहले ये जो बंदा है, ये जो भैया है, इसका नाम है सुब्बादा, और उनके साथ हमने बात किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी बाइक करीब 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका है, और दोनों भैया के साथ, दोनों राइडर्स के साथ यहाँ पे बात किया हम लोगों ने, और दोनों करीब 50,000 के ऊपर ये बाइक चला चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन लोगों को। तो सबसे पहले मैंने सुब्बादा को ये पूछा कि ऐसा कुछ चीज़ें बताओ इस बाइक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उन लोगों ने क्लियरली सबसे पहले जो पॉइंट को मतलब हाईलाइट किया वो है कस्टमाइजेबल, जो कस्टमाइजेबिलिटी है, कस्टमाइजेबिलिटी व्हाट, जो भी है, जो कस्टमाइज़ करने का जो यहाँ पे जो बेस आपको मिलता है R15 वर्जन पे, जो जितने भी वर्जन है भाई साहब, ये एक मतलब क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस बाइक को। इन लोगों का जो R15 है बहुत ही ज़्यादा लोडेड है, बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज है, और हर महीने ये लोग कस्टमाइज़ करते हैं, ग्राफिक्स चेंज करते हैं, विंगलेट्स वगैरह लगाते रहते हैं, बहुत कुछ ये लोग क्या बोलेंगे, मतलब छोटे छोटे चीज़ों को इतना इतना खूबसूरती से इस बाइक के साथ आप अटैच कर सकेंगे, इतना खूबसूरत सा मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। दूसरे बाइक में भी मॉड्स होते हैं, लेकिन इस बाइक को जो आप ऐसे निखार सकते हैं छोटे छोटे कस्टमाइजेबल मतलब चीज़ें लगा के, वो दूसरे बाइक से फार बेटर लेके पुश करता है इस बाइक को। जो लुक्स, जो स्टाइलिंग, जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पेश करते हैं ये R15, जो भी है, आप अगर फ्यूचर में R15 वर्जन 4 तो शायद नहीं आने वाला है, यहाँ पे R2 आ सकता है, और R2
अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर आप R15 वर्जन 3 ही खरीदना चाहते हैं तो कस्टमाइज मतलब आप बम फोड़ सकते हैं कस्टमाइज करके, ठीक है, इतना कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और जो बात मैंने यहाँ पे सुबहदा से पूछा कि कुछ चीज़ें जो आपको इस बाइक के बारे में अच्छा नहीं लगा इतना दिन चलाने के बाद, तो उन्होंने बोला इस बाइक में ज़्यादा कुछ खामियां उनको मिला ही नहीं, क्योंकि भाई इंजन जो है यामाहा का इंजन है, जो बॉडी है इंडिया में बना हुआ है, बहुत ही हाई क्वालिटी बॉडी है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो वो चीज़ है, अगर आपको बाइक अगर क्रैश होता है तो आपका जो वाइज़र है, जो आपका साइड पैनल्स है, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दैट्स वाई उन्होंने एक बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रैश गार्ड्स लगाया है, जो स्लाइडर्स है उसको अप्लाई किया है, इंस्टॉल किया है, ताकि उसका बाइक सेफ रह सके, वो लोग का वाइज़र जो है वो साइड पैनल जो है वो क्रैश हो के मतलब ख़राब ना हो। और दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन एक है, जो सुबहदा है वो हैवी वेट राइडर है, थोड़ा सा वेट तो उनका ज़्यादा है, बहुत ही मतलब मस्कुलर और बहुत ही ज़्यादा क्या बोले हैवी वेट भी है उनका, और मैं भी हैवी वेट हूँ। तो जो भी है मैंने बोला इन सब के बारे में कोई दिक्कत वगैरह है बिल्कुल नहीं, बहुत कंफर्टेबल बाइक है, आपको थोड़ा बहुत कुछ दिन दिक्कत हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका जो ये हैबिट हो जाएगा, आपका सब आपका राइडिंग पोस्चर आपका, आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली बाइक को राइड कर पाओगे, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। और मैंने चिन्मय दा दूसरा राइडर जो है वो चिन्मय भैया है, उनको भी मैंने पूछा इस बाइक को आप किन लोगों को मतलब बोलेंगे कि लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, ये मैंने डायरेक्टली उनसे पूछा, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक आंसर दिया। भाई किसी का भी जो कैपेबिलिटी है उनके उसके ऊपर किसी को जज नहीं करना चाहिए, ऐसे भी लोग हैं जिसका हाइट बहुत कम है लेकिन वो वर्सेस चलाते हैं, एडवेंचर सेगमेंट का बाइक चलाते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत लंबे हैं लेकिन जो बाइक हाइट छोटा है उन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि ये बाइक इन लोगों के लिए अच्छा है, ये बाइक उन लोगों के लिए अच्छा है, ये कोई पॉइंट है ही नहीं। तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया यानी राइडर चिन्मय दा, और भाई साहब बहुत ही अच्छा चीज़ था, बहुत ही खतरनाक कन्वर्सेशन हुआ है। और सबसे बड़ा दोनों राइडर को मैंने पूछा, ऐसा कोई बाइक हो ही नहीं सकता जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक मार्केट में ऐसा कोई बाइक लॉन्च हुआ ही नहीं जिनमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया हो, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम जो कि मेजर प्रॉब्लम आप लोगों ने कहीं ना कहीं फेस किया है वो शेयर कीजिए। तो वहाँ ने दोनों राइडर यहाँ पे चिन्मय दा और सुबहदा दोनों ने बहुत अच्छी तरह से एक प्रॉब्लम को बोला और ये फिगर आउट किया कि ये प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकें ये भी बोला। तो सबसे पहले जो राइडर चिन्मय दा है उन्हें बोला कि उसका जो कूलेंट है वो एक राइड पे थे, लॉन्ग राइड पे थे किसी ना कोई एक राइड पे, तो राइड करते करते उनका जो कूलेंट है वो सूख गया था, वो ख्याल नहीं रख पाया कि कूलेंट सूखा है कि क्या है, उसके वजह से जो कूलेंट सूख गया उसके वजह से इंजन सीज हो चुका था, उनका इंजन काफ़ी ज़्यादा अंदर का जो चीज़ है पिस्टन हेड वगैरह क्लच प्लेट वगैरह वो सब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो वो सब को रिप्लेस किया गया है। और सेम चीज़ें हुआ है यहाँ पे सुबहदा जो राइडर है, राइडर सुबह उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ लेकिन रीज़न दूसरा था, उनका जो रीज़न था उसका जो मोबिल है जो इंजन ऑयल इंजन लुब्रिकेंट है वो सूख गया था, वो भी लॉन्ग राइड पे थे, तो बहुत ज़्यादा वो राइड करते रहते हैं लॉन्ग राइड या फिर शॉर्ट राइड डेली वो राइड करते हैं, डेली कहीं ना कहीं जाते हैं आसपास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो गाड़ी चलाते हैं, तो उन्होंने थोड़ा मिस आउट कर दिया था, जो मोबिल है जो लुब्रिकेंट है जो इंजन ऑयल है वो भी सूख गया था, और सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ, इंजन सीज हो गया, इंजन का जो पिस्टन हेड है वो जल गया, जो क्लच प्लेट है वो जल गया, तो वो दोनों चेंजेस करना पड़ा, तो ये दो मेजर प्रॉब्लम उन्होंने बोला। लेकिन ये यामाहा की तरफ से बाइक की तरफ से प्रॉब्लम नहीं, वो लोग ने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मिस आउट कर दिया था ख्याल रखने में, लेकिन फिर भी ये ख्याल रखना ये बाइक अगर आप लॉन्ग पे बहुत ज़्यादा चलाते हैं बहुत लॉन्ग पे जा रहे हैं तो कूलेंट और जो इंजन ऑयल है वो थोड़ा सा जल्दी सूखते हैं, थोड़ा सा जल्दी कम हो जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो राइडर है काफ़ी एग्रेसिव राइडर है, काफ़ी स्पीड में बाइक चलाते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल राइडर भी है, लेकिन हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जो बाइक का स्पीड है वो आप मैनेज कर सकते हैं,
रिस्पॉन्सिबल राइडर होने के साथ साथ वो लोग काफ़ी एग्रेसिव भी राइड करते हैं, लॉन्ग राइड भी करते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम उन्होंने बोला। और ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट वो लोग बोला ही नहीं क्योंकि है ही नहीं भाई, क्या बोलेंगे। तो आज का जो टॉपिक था यही था, और फ्यूचर में अगर इन दोनों के मॉडिफिकेशन क्या क्या हुआ है उनके बारे में आपको डिस्कशन देखना है, उनके साथ डिस्कशन करूँगा मैं, ज़रूर करूँगा। उस बार मैं माइक्रोफोन थोड़ा दूसरा वाला लेके जाऊँगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओ भाई प्लीज़, मतलब व्लॉगिंग लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, हैशटैग व्लॉगिंग लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी गाइस। तो आज का यही था, और जो ये शॉप है, जो भैया का शॉप है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है और एड्रेस वगैरह मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार, नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार से बिलोंग करते हैं तो आप ये शॉप एक्सेस कर पाएंगे। आप उनका फ़ोन नंबर मैं नीचे दे दूंगा, कॉल कीजिए, एड्रेस पूछ लीजिए, हर एक चीज़ का प्राइस भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राइट से प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वाले बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन हो जाइए, और इस वाले बटन को क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। तो साइनिंग ऑफ।